हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो अभी मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत आसान से क्वेश्चंस यूनिट वेक्टर्स में कराने वाला हूँ। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको बोर्ड लेवल पे पूछे जाते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स कैसा होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें और थोड़े से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ये किसी वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम यूनिट वेक्टर करता है। तो इस वेक्टर के अलावा में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। किसी वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फाइन, आप इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन देने का काम कर रहा है, डायरेक्शन देने का काम कर रहा है इस वेक्टर ए को। मतलब जो डायरेक्शन इस ए कैप का होगा वो डायरेक्शन वेक्टर ए का होगा, करेक्ट है। तो यूनिट वेक्टर में यही तो काम हम करते हैं कि जैसे आपने एक्स वाई प्लेन में देखा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में वो आई कैप होता है, और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, करेक्ट है। इसीलिए मान लीजिए मुझे एक वेक्टर यहाँ तक लेना है, टू तक लेना है, इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन ये हो गया टू आई, करेक्ट है। टू वाई हम लिखेंगे, आई से समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर इसका डायरेक्शन है, करेक्ट है, इस टू वाई वेक्टर का, राइट। लाइक दैट यहाँ पे भी हम वही काम कर सकते हैं। तो कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो किसी वेक्टर्स को डायरेक्शन देने का काम करते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ही डायरेक्शन उस वेक्टर का होगा, ठीक है। तो फिर अब पैरेलल जो वेक्टर्स होंगे, अगर माना जाए टू वेक्टर्स पैरेलल है तो इसका मतलब उनके डायरेक्शन तो सेम होंगे, तो सेम जब होंगे तो अब ये जो यूनिट वेक्टर है वो ही यूनिट वेक्टर उस दूसरे पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी डायरेक्शंस को फिक्स कर रहा है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर ये वेक्टर टू वाई है और इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो ये वेक्टर का अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है तो इसका भी वही डायरेक्शन है जो इसका डायरेक्शन है, मतलब आई कैप, आई कैप से इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। तो ये हो गए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर्स के बारे में। अच्छा, आई जे के स्पेस में आते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये आई कैप हो जाता है, ये जे कैप हो जाता है और ये के कैप हो जाता है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप से देते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग में पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम के कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है सर। पॉइंट, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइन, तो क्वेश्चन कैसे होंगे देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर। कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, जैसे मैंने बोलिया 3i + 4j। अब 3i + 4j एक वेक्टर है, इसके अलोंग में मेरे को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। तो इसको मैंने सपोज करो वेक्टर ए मान लिया, ए वेक्टर मान लिया क्या,
थ्री आई प्लस फोर जे। ए के अब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, मतलब थ्री आई प्लस फोर जे इसका मैग्नीट्यूड होगा थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, करेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब क्या हो जाएगा थ्री आई प्लस फोर जे डिवाइडेड बाई फाइव। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, मतलब आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहे थ्री बाई फाइव आई प्लस फोर बाई फाइव जे, ये यूनिट वेक्टर होगा। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का क्या होता है खास बात कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन आता है, करेक्ट ठीक नहीं, हाँ तो मैग्नीट्यूड वन तो आने वाला है, करेक्ट। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा वन होगा, आप चेक कर लीजिए इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वन ही आएगा, तो यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड वन ही होता है, ठीक है। लेकिन यूनिट वेक्टर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो मैंने बोला कि किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए, तो अब इसका जो डायरेक्शन होगा ना, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इसका डायरेक्शन होगा, ये डिफाइन करता है यूनिट वेक्टर, गॉट द पॉइंट, फाइन। तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, इसी क्वेश्चन को अगर हमने चेंज कर दिया, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, ये भी क्वेश्चन को पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 4j। अब इसी क्वेश्चन में देखो, सिंपली मैंने ये पैरेलल वर्ड यूज किया है, इसके पैरेलल, इस जो वेक्टर है ना इसके पैरेलल एक दूसरा वेक्टर है, उस वेक्टर के अलावा में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अभी जैसे मैंने बताया कि फिर जो यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम हो गए, करेक्ट है, हाँ जी। तो अब यहाँ पर 3i प्लस 4j के अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर होगा वही यूनिट वेक्टर उस पैरेलल वेक्टर के अलॉन्ग में होगा, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस 3i प्लस 4j के अलॉन्ग में ही यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर जिसको मैं सपोज करो a क्या बोले था, उसको a बोल लेता हूँ, तो मॉड ऑफ a हो जाएगा, है ना, मतलब 3i प्लस फोर जे डिवाइडेड बाई फाइव, ये आपका आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो अभी अभी हमने इसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 बाई 2 यूनिट, 5 बाई 2 यूनिट विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, फिर वही बात, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 4j, ठीक है 3i प्लस 4j, फाइन। देखिए इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 5 बाई 2 यूनिट है, मैग्नीट्यूड 5 बाई 2 यूनिट कब होगा, अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। वैसे इस वीडियो लेक्चर में मैं जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो बोर्ड्स के लिए, एक मार्क्स के लिए, दो मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर का जो है वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो ही जा रहा है, करेक्ट। तो फाइन, तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 बाई 2 यूनिट्स, 5 बाई 2 यूनिट्स उसका मैग्नीट्यूड तभी आएगा जब उसके अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट हो जाए और उसको हम 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो उस यूनिट वेक्टर को 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर मिल जाएगा जिसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड 5 बाई 2 आएगा, करेक्ट है कि नहीं, बस हो गया काम खत्म। तो आपका मेन रोल हो गया कि इस वेक्टर के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, इसको अगर मैंने ए मान लिया, ए वेक्टर मान लिया 3i प्लस 4j, तो ए कैप क्या आ जाएगा, ए कैप हो जाएगा 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया करेक्ट है। और ये चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो अब जो मुझे रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 बाई 2 चाहिए और इस वेक्टर के पैरेलल में चाहिए, तो जैसे मैंने बोला यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं डायरेक्शंस को, करेक्ट है, तो फिर देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर,
रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, 5/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा। अब बात को समझिए, बात को कैसे समझना है कि क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, अब इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड लेंगे, इस वेक्टर का ओवरऑल मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 5/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 5/2 के आएगा, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, करेक्ट, ओवरऑल 5/2 बचेगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे तो खाली वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2i प्लस 3/2 ना, ओके, 4/2 मतलब 2j, ये आंसर आ जाएगा 3/2i प्लस 2j। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। लेट ए इक्वल टू, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 12i प्लस nj, 12i प्लस nj, एक मार्क के लिए सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है, एंड मॉड ऑफ ए इक्वल टू 13, फाइंड एन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर वन मार्क्स के लिए ये सीबीएसई में मैंने देखा है, स्टेट बोर्ड्स में मैंने देखा है। तो क्या हो गया कि मॉड ऑफ ए 13 है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 13, मतलब 13 इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 12 का स्क्वेयर प्लस एन का स्क्वेयर, बस हो गया काम खत्म, स्क्वेयरिंग कर देंगे तो 169, 12 का स्क्वेयर 144 प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 25, तो यहाँ से n मिल जाएगा प्लस माइनस 5, या तो प्लस 5 होगा या माइनस 5 होगा। चलिए नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यूनिट वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स ये वन मार्क्स के लिए आते हैं, टू मार्क्स के लिए आते हैं, वर्ड्स में, करेक्ट है। और मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको यूनिट वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसमें भी मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, जो हमको आगे काम आएंगे, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी इज द, पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए 1, 2, 3 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए 4, 5, 6। पहले आपको तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर पी क्यू को निकालना पड़ेगा। अगर आप पी क्यू डिफाइन कर लेंगे, देखिए वेक्टर पी क्यू कैसे होता है, पी क्यू इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ये होता है पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, करेक्ट है कि नहीं। मतलब आप ये सोचिए कि यहाँ कहीं पी है 1, 2, 3, यहाँ कहीं क्यू है 4, 5, 6, तो ये पी क्यू वैक्टर फाइंड आउट करना है। ये पी क्यू वैक्टर कैसे आ जाएगा, तो अब ये मैंने बताया पोजिशन वेक्टर, ओ से ये ऐसे होगा, ट्रायंगल ला भी लगेगा, ठीक है कि नहीं, पी क्यू वैक्टर है बस में, ये ट्राइंगल ला लग गया, तो ट्राइंगल ला से वो पोजिशन वैक्टर आ जाता है। हम अब डायरेक्टली निकाल लेते, सीधा सीधा क्या करो, क्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, नहीं 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, तो ये 3 आयोटा, करेक्ट है। अब ये क्या है कि स्पेस में है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, ठीक है, फाइन। तो 3 आयोटा, 5 में से 2 गया तो प्लस 3j, 6 में से 3 गया तो प्लस 3j, ये हो गया पी क्यू वैक्टर, निकल गया, बस हो गया। तो पी क्यू वैक्टर का मॉड जो होगा, देखिए 3 तो बाहर निकल लिए,
स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, करेक्ट है। थ्री पहले ही आपने बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट थ्री रूट थ्री, इजंट इट। तो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है मतलब पी क्यू को डिवाइड करना है उसके मॉड से। पी क्यू कितना है, थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के डिवाइडेड बाई थ्री रूट थ्री, थ्री कट जाएगा तो वन बाई रूट थ्री बचेगा और इधर बचेगा आई प्लस जे प्लस के। आई होप दैट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसको समझने में, सब आसान है, कोई इशू यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसको। फाइन, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव आई माइनस जे प्लस टू के, फाइव आई माइनस जे प्लस टू के विच हैज द मैग्नीट्यूड एट, विच हैज मैग्नीट्यूड एट। ये सब सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपके बोर्ड में वन मार्क्स के लिए आते हैं, तो मैंने सोचा है कि इसके ऊपर एक लेक्चर जरूर होना चाहिए। अदरवाइज हम जिस वे में पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारे प्रॉब्लम्स को कर लेंगे, बट लेट्स सी। सो फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में निकालना है, तो मतलब जो इसको डायरेक्शन होगा, इसको जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन उस वेक्टर को होगा, करेक्ट है, जिसका कि मैग्नीट्यूड एट है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, तो अब इसको कौन डायरेक्शन देता है, इस वेक्टर को डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर देगा, करेक्ट। तो यूनिट वेक्टर निकालो, तो चलो इसको ये मान लो फाइव आई माइनस जे प्लस टू के, ए क्या हो जाएगा, मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा फाइव आई माइनस जे प्लस टू के और स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव, इसका प्लस वन, इसका फोर, रूट थर्टी है ना, ओके, रूट थर्टी, रूट थर्टी सिंपली फाइव आई माइनस जे प्लस टू के डिवाइडेड बाई रूट थर्टी, ओके फाइन, ये हो गया। अब आप क्या करो, हमारा ये यूनिट वेक्टर है, मतलब ये इस को डायरेक्शंस को डिफाइन कर दिया, तो इसके डायरेक्शंस को डिफाइन किया, तो जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन हमको पता चल गया, वो भी वही डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है, और ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में उसका ये यूनिट वेक्टर है। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका तो मैग्नीट्यूड वन ही आ गया, तो सिंपली अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एट है जो कि इसके डायरेक्शन में है, तो सिंपली इसको हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड वेक्टर 8 इंटू फाइव आई माइनस जे प्लस टू के डिवाइडेड बाई रूट थर्टी, करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। सिंपलीफाई कर सकते हैं आप इसको आगे। फाइन, तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल है यूनिट वेक्टर में इतना ही हम लोगों ने अभी बात करना है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स और कोलिनियर पॉइंट्स इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, करेक्ट है, फाइन।